ये किसी भी पैंडेमिक का नेचुरल प्रोग्रेशन होता है। आप अगर देखेंगे कि पिछले 2 साल में लगभग लगभग सारी जनसंख्या को इन्फेक्शन एक बार हो चुका है। एक प्रकार से यदि हम सब लोग मिलके कोविड को एक नए प्रकार का फ्लू मान के चलें तो शायद इसके प्रति चिंता भी समाप्त हो जाएगी। कोविड के केसेस एक बार फिर से बढ़ रहे हैं, क्या वजह है इनकी और क्या लोगों को इस पर चिंता करनी चाहिए? इन सभी क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर डॉक्टर मनिंदर अग्रवाल, जिनका मैथमेटिकल मॉडल बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हुआ था इस पूरे कोविड वायरस का बिहेवियर समझने के लिए। जो नया हम देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं बहुत ही ज्यादा तेजी से, स्पेशली दिल्ली के एरिया में बहुत ज्यादा जो है केसेस वो बढ़ रहे हैं, क्या लोगों को इससे चिंता करने की जरूरत है और क्या वजह है कि जो इतना सडन राइज आया है इन सारे केसेस? पहली बात तो जिसमें लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये किसी भी पैंडेमिक का नेचुरल प्रोग्रेशन होता है। आप अगर देखेंगे कि पिछले 2 साल में लगभग लगभग सारी जनसंख्या को इन्फेक्शन एक बार हो चुका है, सबको इम्यूनिटी आज काफ़ी हद तक, वैक्सीनेशन भी हो चुका है, तो दोनों प्रकार की इम्यूनिटी काफ़ी हद तक मौजूद है। इम्यूनिटी के साथ ये होता है कि समय के साथ वो कम होती जाती है, और जब कम होती है तो फिर इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है, और वही हम देख रहे हैं कि भारत में संख्या पिछले 2 महीनों में बढ़ी है, अब धीरे धीरे कम भी होती जा रही है। तो ये इसको कोई वेव नहीं कह सकते, एक छोटी सी रिपल है जो कि आई है और धीरे धीरे चली जाएगी, और भविष्य में भी आती रहेंगी इस प्रकार की रिपल्स किसी भी जगह पे हो, तो इसमें ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं। भविष्य में भी ये आती रहेगी, आपने बताया। इम्यूनिटी की अगर बात करी जाए तो हमने देखा कि सरकार ने इस पे बूस्टर डोज निकाली, क्या ये कह सकते हैं कि इम्यूनिटी स्ट्रांग जो है लोगों की हो पाएगी? दूसरी डोज की इसमें जरूरत है सरकार की तरफ से? वैक्सीन इम्यूनिटी शरीर में देता है, लेकिन वो इम्यूनिटी इस प्रकार की होती है कि अगर आपको संक्रमण हो जाए तो उसका ज़्यादा प्रभाव ना हो। संक्रमण रोकने की क्षमता वैक्सीन्स में उतनी अधिक नहीं है, खासतौर से जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आजकल चल रहा है उसमें संक्रमण रोक नहीं पाती वैक्सीन। संक्रमण रुकता है यदि आपको पिछला इन्फेक्शन एक बार पहले हो चुका है, तो नेचुरल इम्यूनिटी होती है, उससे संक्रमण काफ़ी हद तक रुकता है, लेकिन वो भी कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। समय के साथ वो भी इम्यूनिटी कम होती है, तो संक्रमण फिर से या नया होना में कोई आश्चर्य नहीं है, इसको रोक पाना भी संभव नहीं है एक प्रकार से। तो इसके प्रति ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब लगभग सब लोगों के अंदर इतनी इस स्तर की इम्यूनिटी आ चुकी है कि संक्रमण होने के बाद भी ज़्यादा असर नहीं हो। बात करी जाए अगर इस केसेस जो बढ़ रहे हैं इसको अगर कम करना चाहे या फिर लोगों एक्सपोज ज्यादा ना होने पाए, लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं इसके बारे में कुछ बताना चाहिए? तो वही टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है कि जहाँ भी यदि ज़्यादा भीड़ हो तो मास्क का प्रयोग करें। इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें खाएं पिएं, इसके कई नेचुरल साधन मौजूद हैं, और अपने मन से एक ये भय निकाल दें कोविड का। कोविड का जो सबसे ऊंचा स्तर था वो आके जा चुका है, अब भविष्य में इसकी संभावना ना के बराबर है। एक प्रकार से यदि हम सब लोग मिलके कोविड को एक नए प्रकार का फ्लू मान के चलें तो शायद इसके प्रति चिंता भी समाप्त हो जाएगी। तो ये थे आईटी प्रोफेसर डॉक्टर मनिंदर अग्रवाल, जिनका कहना है कि एक फ्लू की तरह आप कोविड वायरस को हमें ट्रीट करना चाहिए, मेन हमारा ध्यान इम्यूनिटी के ऊपर होना चाहिए जिसको बढ़ाने के लिए कई रीजंस है, और हाँ मास्क का जो प्रयोग है वो अभी भी लगातार करते रहें अगर भीड़ वाले एरिया में आप जा रहे हैं तो। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला।